प्रतिभा के जुनून और जज्बा का अद्भुत संगम देखने को मिला द क्वालिफायर के प्रतिभा खोज प्रतियोगिता तलाश में। शहर के आरएनसा चौक पर अवस्थित द क्वालिफायर संस्था द्वारा तलाश खोज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्थान के प्रबंध निदेशक आदित्य केजरीवाल ने बताया कि बिहार के प्रतिभावान छात्र पूरे देश में अपने मेधा के दम पर सफलता का परचम लहरा रहे हैं। आर्थिक पिछड़ेपन के कारण अपनी प्रतिभा के बावजूद वैसे छात्र आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इस तरह के छात्रों के लिए उत्तरदायित्व की भावना से ये संस्थान इस प्रतिभावान छात्रों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से तलाश नामक खोज प्रतियोगिता का आयोजन कर रही है। उन्होंने बताया कि गत 10 वर्षों से सफलता के कदम बढ़ाते हुए द क्वालिफायर एक से बढ़कर एक कार्यक्रम कर रही है, जो पूर्णिया ही नहीं पूरे बिहार को गौरवान्वित कर रही है। इस अवसर पर संस्थान के केंद्र प्रमुख शशिभूषण ने बताया कि गत वर्षों कई तलाश कई सफलता के बाद इस वर्ष राज्य स्तरीय तलाश खोज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। प्रथम चरण की परीक्षा ली गई है, जो विद्यालयों में उनके केंद्र पर ही लिया गया। इसका आयोजन गत सितंबर माह में किया गया। यह प्रतियोगिता पूर्ण रूप से निःशुल्क थी। इसमें रसायन विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित एवं मानसिक क्षमता के प्रश्न पूछे गए। विभिन्न जिले से चयनित अभ्यर्थियों के दूसरे चरण की परीक्षा द क्वालिफायर परिसर में लिया जा रहा है। CBSE के 10वीं के छात्रों के लिए पूर्णिया, कटिहार, अररिया, मधेपुरा, फारबिसगंज, किशनगंज सहित 10 जिलों के छात्र आज की परीक्षा में सम्मिलित हुए। बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए आगामी 29 दिसंबर और जनवरी माह में ये लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस वर्ष सभी वर्गों से प्रथम 3 स्थान पाने वाले सभी छात्रों को प्रथम पुरस्कार 1 लैपटॉप, द्वितीय पुरस्कार पाने वाले छात्र को 1 डेस्कटॉप और तृतीय पुरस्कार पाने वाले छात्र को कस्टमाइज टैब दिया जाएगा। पुरस्कार के संबंध में डॉक्टर शशिभूषण ने बताया कि आज जिस प्रकार सभी परीक्षाओं को ग्राउंड लाइन किया जा रहा है, इसे देखते हुए प्रारंभ से ही छात्रों को ई एजुकेशन की ओर अग्रसर करने के उद्देश्य से इसका चयन किया गया है।